हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक असरदार घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ। ये दोस्तों अपनाया हुआ है नुस्खा, और ये उन महिलाओं के लिए है जो अनचाही प्रेगनेंसी के शिकार हो चुके हैं या जिनका पीरियड्स नहीं आ रहा है, ये उनके लिए है। 2 से 3 महीने या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आया है तो ये नुस्खा उनके लिए है पीरियड्स को जल्दी लाने में और टाइम पे लाने में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए आप एक कच्चा पपीता लें। कच्चे पपीते को पका हुआ नहीं लें दोस्तों, और कच्चा में जितना हरा हो उतना अच्छा हो, ठीक है दोस्तों। जरा सा भी पका हुआ ना हो, एकदम कच्चा हो, ठीक है दोस्तों। तो ये कच्चे पपीते को आप कम छील लें। पहले आप इसका ऊपर से छिलका कवर जो होता है दोस्तों उसे निकाल लें। ये याद रहे दोस्तों, ये जो पपीता लेना है दोस्तों आपको लगभग लगभग हाफ के जी 500 ग्राम्स का लेना है। और इसे कब कैसे खाना ये मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसे छील लीजिए। इसका छिलका निकाल देने के बाद दोस्तों इसे आप कैसे खाइएगा, देखिए। जब आप इसे छील लिए और इसे उसके बाद काट लीजिए। काट लेने के बाद आप, मैं हल्का सा बताता हूं आपको, इसे काट लीजिए यहां से। इसे काट लेने के बाद इसमें बीज है, बीज को अलग कर दीजिए। अगर इसमें भी बीज है छिले हुए में, इसे भी अलग कर दीजिए, बीज निकाल दीजिए, बीज बिल्कुल भी नहीं खाना है। और इसे अच्छे से छील लीजिए। इसके बाद इसे धो लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप इसमें ऊपर से लस वस होता है इसका, इसलिए आप इसे अच्छे से पानी से, साफ पानी से धो लीजिए और इसे एकदम साफ कर लीजिए। बिल्कुल भी छिलका ना हो, क्योंकि छिलका हमें नहीं खाना होता है। तो इसे आप इसे अच्छे से धो लीजिए इस तरह। ये लगभग आप 200 ग्राम, कितना, लगभग 200 ग्राम आपको लेना है एक बार में। और इसी तरह का आपको 2 बार खाना है। इसमें ना तो नमक लें ना मिर्च लें, कुछ भी नहीं लेना है। इसे ही आप ऐसे चबा चबा कर इसे खाना है आपको दिन में 2 बार। कभी भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको नेक्स्ट डे पीरियड्स आ जाएंगे बस, और कोई नुस्खा में कुछ नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इसमें और भी कुछ भी नहीं है, बस इसे ही खाना है आपको दिन में 2 बार। इसके साथ क्या करना है वो मैं बताता हूं। जैसे आप इसे खा लिए, खाने के बाद आप ये देखिए, ये होता है हमारे पास रस्सी, जो हम डेली कूदते हैं। रस्सी कूदते हैं दोस्तों, उछलते हैं हम डेली, लड़कियों का फेवरेट भी है। आप इस रस्सी को हाथ में पकड़ के डेली जब पपीता खा लिए आप, उसे खाने के बाद 40-50 बार कर करके रुक के कीजिए, 20-20 बार करके 2 बार 3 बार कीजिए। इसे करना बहुत जरूरी है, रस्सी कूदना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो पपीता खाए उसका असर ये रस्सी ही दिलाता है। तो आप रस्सी भी कूदिए इसके साथ, इससे बेनिफिट आपको डबल और तुरंत मिलेगी, नेक्स्ट डे आ जाएगा। अगर आप सिर्फ पपीता खाते हैं तो बेनिफिट कम हो जाता है चांस, लेकिन जैसे आप रस्सी कूदते हैं तो आपका चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको पपीता खाना है, उसके जस्ट 5 से 10 मिनट के बाद आपको रस्सी कूदना है। 40-50-60-70 बार कीजिए, रुक रुक के कीजिए, एक बार में नहीं करना। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।